तो हेलो गाइस, आज जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर थर्ड है। और लेक्चर थर्ड में हम सीखने वाले, पहले इसके पहले क्या सीखे मैं वो एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हमने दो कैंडल स्टिक सीखा, एक बेरिस कैंडल स्टिक, एक बुलिस कैंडल स्टिक। उसके बाद हमने सीखा सिंगल जो होते हैं वो कैंडल स्टिक सीखा। वो कैंडल स्टिक में सीखा हमने हैमर, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक सीखे वो डोजी सीखे। डोजी में तीन कैंडल, तीन प्रकार के डोजी सीखे। फर्स्ट ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेजेड डोजी और थर्ड जो सीखे वो ड्रैगन फ्लैट डोजी, ठीक है। ये सारे हमारे पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी, ठीक है। ये चार चीज है। ये चारों चीज में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो एंगल्फिंग है, और हरामी को मैं थोड़ा कम प्रीफर करता हूँ। करता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये चार में से जो सबसे ज्यादा मैं प्रीफर करता हूँ उस करता हूँ एंगल्फिंग। क्योंकि एंगल्फिंग का मैं रीजन देता हूँ क्यों करता हूँ। पहले तो समझते हैं, यहाँ पर फर्स्ट चीज सीखते हैं बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। पहले बुलिश वाली चीज सीखते हैं। बुलिश एंगल्फिंग में ना जो फर्स्ट कैंडल होगी वो रेड होगी और सेकेंड कैंडल ग्रीन होगी। यहाँ पर कंडीशन समझना, जो रेड कैंडल होगी ना वो छोटी होगी, और उसको जो ग्रीन कैंडल है ना वो ग्रीन कैंडल बुलिश जो रेड कैंडल है उसको पूरा खा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है। यहाँ पर देखो विक ना, विक कितना भी बड़ा हो, अगर ये विक यहाँ पे ऊपर निकल जाए ना फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ना सिर्फ बॉडी मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी मैटर करता है। और जो विक होता है ना वो एंट्री और स्टॉप लॉस के काम आता है, एंट्री और स्टॉप लॉस के काम आता है। जिस अब देखो यहाँ पर जो बुलिश एंगल्फिंग है ना उसमें ग्रीन कैंडल बड़ा होना चाहिए, तो ग्रीन कैंडल का अगर विक बड़ा है ना तो उसके हिसाब से एंट्री लेंगे और एग्जिट लेंगे, या फिर जो भी रहेगा एसएल लेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन समझना, जो मेन हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करें कि हाँ यही बुलिश एंगल्फिंग है, यही बेयरिश एंगल्फिंग है, ये सारी चीजें। तो देखो एंगल्फिंग होता है ना, एंगल्फिंग मतलब क्या होता है, इसकी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी यहाँ सिर्फ विक नहीं, विक छोड़ दो, विक छोड़ दो, इस पार्ट को छोड़ दो, ऊपर वाले विक को छोड़ दो, सिर्फ जो बॉडी है वो चीज ग्रीन बॉडी के अंदर समाना चाहिए। जो इसकी बॉडी है ना, सिर्फ बॉडी, अब इसकी बॉडी देखो, ये बॉडी को मैं लाइन मारता हूं और इसको लाइन मारता हूं, ठीक है, इसको लाइन मारता हूं, तो क्या ये ग्रीन बॉडी है, ये ग्रीन बॉडी के अंदर ये रेड कैंडल समाया है? तो हाँ ये समाया, तो ये वाली जो चीज हो गई वो बुलिश एंगल्फिंग हो गई। अगर इसकी विक ऊपर निकल जाती ना इसके भी ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में दो कि एंगल्फिंग पहचानने के लिए विक मैटर नहीं करता, बॉडी टू बॉडी हम देखेंगे। अगर यहां पर जो रेड कैंडल है उससे बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाए, नीचे ओपनिंग हो और ऊपर ओपनिंग हो जाए, इसके अंदर बॉडी के अंदर अगर रेड कैंडल समा जाए ना तो वो प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन समझाता हूं, अगर सपोज ये जो रेड कैंडल है उसके बदले अगर ये छोटा बन जाता, समझो थोड़ा सा डोजी टाइप बन जाता, डोजी टाइप रेड कैंडल, डोजी थोड़ा डोजी टाइप बन जाता और ये रेड कलर होता, ठीक है, ये रेड कलर होता, फिर भी तो ये ग्रीन कैंडल के अंदर, ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर ये पूरा समा गया, तो ये बुलिश एंगल्फिंग कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग। ध्यान इस बात का देना कि बस बॉडी के अंदर समा जाना चाहिए, बॉडी के अंदर ऐसे एज इट इज समा जाना चाहिए, और इसमें कलर मैटर करता है, पहले रेड होना चाहिए और दूसरा ग्रीन होना चाहिए, तो इसे हम बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। अब ये चलेगा कहां पर, मार्केट में कौन से लेवल पे ये जाके काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, वो चीज समझते हैं अभी इसको। देखो अगर मार्केट के ये बॉटम में बनेगा, ठीक है, मार्केट क्या किया, एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट किया, तो हम एंट्री कहां से लेंगे। देखो एंट्री जो इसका वीक है ना, वीक बड़ा है ऊपर, इसके ऊपर पास होते ही हम एंट्री ले लेंगे, और जो एसएल होगा ना इसका वीक जो एसएल है वही इसका नीचे वाला हमारा एसएल होगा। तो ये है बुलिश एंगल्फिंग का कंडीशन, और ये बुलिश एंगल्फिंग ना एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे बनता है और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। अगर नहीं समझेगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, बहुत सिंपल इजी वे में समझाऊं, आपको समझ जाएगा। बस कंडीशन ध्यान देना जो बोल रहा हूं, कि फर्स्ट कैंडल यहां पर रेड होना चाहिए, सेकेंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर बॉडी समाना चाहिए। विक कितना भी बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंट्री लेते समय फर्क पड़ेगा। अगर सपोज यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर अगर इसकी विक बड़ी होती है, रेड कैंडल की विक यहाँ पे बड़ी होती ना ऐसे, तो एंट्री हम पहले ये वाले विक के हिसाब से लेंगे, ना कि ये वाले विक के हिसाब से। ये कहलाएगा बुलिश एंगल्फिंग ही, लेकिन अगर समझो एंट्री में लेते समय ये रेड कैंडल की विक बड़ी है, तो एंट्री हम रेड कैंडल के हिसाब से लेंगे
और समझो ये ग्रीन की विक सबसे बड़ी है नीचे के तरफ, रेड छोटी विक है, तो SL जो होगा वो हमारा ग्रीन विक के हिसाब से होगा और एंट्री हम रेड वाले विक के हिसाब से लिए एंट्री, तो जो भी सबसे बड़ा हो ऊपर के तरफ उसके हिसाब से एंट्री लेंगे विक, और जो भी नीचे के तरफ सबसे छोटा सॉरी सबसे बड़ा विक हो उसके हिसाब से हम SL लेंगे, दैट्स इट। यही सारी कंडीशन सब जगह बैठेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीखते हुए चलेंगे। ये जो सीखा हमने बुलिश एंगल्फिंग सीखा, ठीक है, अब सीखते बुलिश हरामी। ये जो दोनों कैंडल है ना वो एक मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनेगा सपोर्ट में, और ये मार्केट को ऊपर के तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कलर मैटर करेगा, अब यहां पर देखो वहां पे पहले क्या बनना चाहिए था, अगर यहां पर आप नोटिस करोगे यहां पर भी सेम चीज था, यहां पर भी एज इट इज पहले रेड और यहां पर भी पहले रेड, लेकिन यहां पर उल्टा क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल जो है उसके बॉडी में अब ग्रीन कैंडल समा जाना चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल है उसके बॉडी में ग्रीन कैंडल समा जाना चाहिए, ना कि ऊपर वाले कंडीशन में क्या था, ग्रीन कैंडल बड़ा था, ग्रीन कैंडल के बॉडी में समा गया था रेड कैंडल, तब जाके वो हम उसको बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन जो बनेगा ना वो क्या बनेगा कि रेड कैंडल में ग्रीन कैंडल समा जाना चाहिए। देखो ये बॉडी है, बॉडी में रेड रेड कलर की बॉडी में ये ग्रीन कलर की बॉडी समा गई, विक से फर्क नहीं पड़ता, विक बाहर निकल जाता तो भी चलता, लेकिन बॉडी टू बॉडी इसको नापेंगे, बॉडी के अंदर प्रॉपर बॉडी समा जाएगा तो इसको हम बुलिश हरामी कहेंगे। और ये सेम बॉडी ये सेम चीज मार्केट के बेरिश ट्रेंड में बनेगा और वो बाजार को ऊपर लेके जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर मार्केट के डाउन ट्रेंड में बना और बाजार को ऊपर लेके गया, ठीक है। अब इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोग को, एग्जांपल देख लो यहाँ पर, जैसे आज के ही मार्केट में लाइव मार्केट में जो चीज हुआ था यहां पर आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखो मार्केट के क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में ये बुलिश, एक सेकेंड, ये देखो ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में बना बुलिश हरामी और ये बुलिश हरामी ऊपर पास किया, यहां पर एंट्री मिलेगा, ये SL बनता था। लेकिन आज हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में था और जो न्यूज था वो बहुत नेगेटिव था, उसके वजह से ये हमने ट्रेड मिस कर दिया और उसके बाद आज दिन भर साइडवेज रहेगा तो हमने कोई ट्रेड नहीं किया और आज जल्दी लाइव खत्म कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा मार्केट में कैसे कैंडलस्टिक काम करता है। अब समझते दूसरा कैंडलस्टिक, ठीक है। यहां पर हमने दो चीज सीखा, पहले बुलिश दो कैंडलस्टिक सीखे, बुलिश एंगलफिंग और बुलिश हरामी, ठीक है। रिवाइंड करना, पहले सुन लेना अच्छे से उसके बाद फिर से लिखना, फिर सेकेंड टाइम रिविजन में आपको ज्यादा अच्छा समझेगा, ठीक है। यहां पर जो हमने सीखा बुलिश सीख गए, बुलिश एंगलफिंग बुलिश हरामी, अब सीखेंगे बेरिश एंगलफिंग बेरिश हरामी, ठीक है। अब चलो वो सीखते हैं, ये आ गए बेरिश एंगलफिंग। अब बेरिश एंगलफिंग में क्या होता है, जो पहले दो कैंडल होते हैं ना वो ग्रीन होता है, ठीक है। बुलिश वाले में पहले दो कैंडल रेड थे, अब बेरिश वाले में पहले दो कैंडल ग्रीन होंगे, लेकिन कंडीशन सेम होगा, यहां पर जो बॉडी के अंदर रेड बॉडी के अंदर ग्रीन बॉडी समा जाना चाहिए, बहुत सिंपल वे में है, मैं हर बार समझा रहा हूं। रेड कैंडल जो भी बॉडी है ना बॉडी के अंदर बॉडी समा गया तो वो बेरिश एंगलफिंग कहलाएगा। अगर ये एज इट इज यहां पर अगर ये लंबा रेड हो जाता और यहां पर ये ग्रीन कलर हो जाता, ये रेड हो जाता और ये वाला कैंडल ग्रीन हो जाता तो, और ये बॉडी में बॉडी अगर समा जाता, अगर इसके बॉडी में ये बॉडी समा जाता तो यहां पर बेरिश हरामी बन जाता। लेकिन अभी फिलहाल समझो ये बेरिश एंगलफिंग में कंडीशन क्या है कि बॉडी टू बॉडी अंदर समाना चाहिए, पहला कैंडल ग्रीन बनेगा, ग्रीन कलर की बॉडी को रेड कलर की बॉडी पूरी खा जानी चाहिए, पूरी निगल जानी चाहिए। ये देखो ये रेड कैंडल की बॉडी के अंदर पूरा ग्रीन कैंडल का बॉडी समा गया तो इसको हम कहेंगे बेरिश एंगलफिंग। ये मार्केट के टॉप में बनता है, मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनता है और जो बाजार को पूरा नीचे खींच के लेके आ जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर बेरिश एंगलफिंग बना और ये बाजार को नीचे के तरफ पूरा लेके आ चुका है, तो यही होता है प्रॉपर बेरिश एंगलफिंग का कमाल। अगर सही समय पे और सही जगह बन जाए ना तो बहुत अच्छा काम करता है, डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन क्या है, ठीक है। ये रहा हमारा बेरिश एंगलफिंग। अब समझते बेरिश एंगलफिंग समझ गए, अब समझेंगे बेरिश हरामी, ठीक है। अब बेरिश हरामी में भी सेम कंडीशन है, पहले दो कैंडल रेड होंगे, ठीक है, सॉरी पहला कैंडल जो होगा वो ग्रीन होगा, बेरिश में पहले दो कैंडल ग्रीन होंगे और बुलिश में पहले दो कैंडल रेड होंगे, तो यहां पर बेरिश हरामी बना है। बेरिश हरामी में पहला कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल है, यस सर नो, पहला कैंडल ग्रीन कैंडल है, दूसरा कैंडल रेड है,
लेकिन कंडीशन क्या बोला यहाँ पर, कैंडल टू कैंडल अंदर समा जाना चाहिए। अगर प्रॉपर बेयरिश हरामी में कैंडल अच्छे से अंदर समा जाता है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉडी के अंदर प्रॉपर रेड कैंडल समा गया, मतलब ये यहाँ पर बेयरिश हरामी बन चुका है। वीक से फर्क नहीं पड़ता, वीक कहीं भी कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें, वीक हमको सिर्फ एंट्री और एग्जिट के काम आता है, तो वीक से फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान देना है कि बॉडी के अंदर समाना चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर समा गया प्रॉपर, तो ये अच्छा काम करेगा और ये मार्केट को एक बेयरिश ट्रेंड में फिर से रिवर्सल लेके आ जाएगा। अब कंडीशन समझो, इसको याद कैसे रखें। अब याद रखने का कंडीशन ये है ना कि जैसे समझो टॉप पे रेजिस्टेंस पे बेयरिश हमको कुछ साइन चाहिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बुलिश वाले साइन, तो सपोर्ट पे चाहिए, लेकिन पहले बेयरिश समझते हैं। बेयरिश अगर रेजिस्टेंस पे हो तो याद कैसे रखें, कभी भी ध्यान देना, पहला कैंडल हमें ग्रीन चाहिए अगर टॉप पे कुछ बन रहा है तो पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए और दूसरा कैंडल रेड होना चाहिए। एक तो वो उसके अंदर समा जाए या फिर वो उसको खा जाए, ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाए। अगर अंदर समा गया तो बेयरिश हरामी हो गया और खा गया उसको, जैसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा गया पूरा, उसके अंदर ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल समा गया, तो वो हो गया बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। और यहां पर ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल समा गया तो बेयरिश हरामी हो गया, और यहां पर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा गया तो बेयरिश एंगल्फिंग हो गया। माफ करना बीच में थोड़ा गलत बोला मैंने, लेकिन ध्यान देना जो ग्रीन कैंडल है वो समा जाना चाहिए रेड कैंडल में, तो वो हो जाएगा बेयरिश एंगल्फिंग। और अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा अच्छे से निगल जाता है, खा जाता है, या फिर ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल समा जाता है, तो वो हो जाता है बेयरिश हरामी, ठीक है। ये समझ जाना कंडीशन। और बेयरिश हरामी का काम क्या होता है और वो कैसे काम करता है, देखो बेयरिश हरामी भी एक बेयरिश मार्केट को दिखा देता है बाद में, अप ट्रेंड के बाद सही समय पे फॉर्मेट अच्छे से क्लियर बन जाए तो वो नीचे के तरफ बाजार को लेके आ जाता है। प्रॉपर रेजिस्टेंस पे बनने के बाद वो बाजार को एक अच्छे तरीके से नीचे लेके आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ गया। अब हम सीखेंगे ना थ्री कैंडल स्टिक। थ्री कैंडल स्टिक में सिर्फ यही दो कैंडल स्टिक मैंने, बाकी ब्लैक क्राउ, थ्री क्राउ, ये सारी भी चीजें, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है समझना चाहिए आप लोगों को, वो नहीं समझोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर समझो इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक और दूसरा होता है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। ये जो इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक है ना, ये मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनता है, मार्केट के टॉप पे बनता है और बाजार को नीचे लेके आ जाता है। पहले इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। पहला कैंडल ग्रीन बनेगा और दूसरा कैंडल ग्रीन या रेड कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेड ही बनेगा तो ज्यादा बेटर है। यहां पर कंडीशन समझो, पहला ग्रीन दूसरा रेड, ठीक है। लेकिन फर्क कब पड़ेगा यहां पर समझो कि ये जो कैंडल है, जो मिडल वाला कैंडल है ना, ये दोनों के बॉडी के नीचे आके क्लोज हो या फिर उसको अंदर जाके कुछ क्लोज होना, तब फर्क पड़ेगा। लेकिन ये दोनों के बॉडी के ऊपर, ये कैंडल जो है ना, ये दोनों बॉडी के ऊपर क्लोज होना चाहिए, भले ये दोनों एज इट इज एक लेवल पे ना हो, लेकिन दोनों बॉडी के ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए और ऊपर ही खत्म हो जाना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर कहलाएगा इवनिंग स्टार। और ये मार्केट के टॉप पे बनता है और मार्केट को नीचे लेके आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहला कैंडल ग्रीन बना, दूसरा कैंडल रेड बना, लेकिन यहां पर दोनों के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए प्रॉपर। दोनों के ऊपर जाके क्लोज होगा प्रॉपर, बहुत अच्छा काम करेगा। कभी कभार टच हो जाता है, टच होके होता है तो वो उसके चांसेस कम होते हैं काम करने के, लेकिन जो प्रॉपर बनेगा ना, वहां पर ध्यान देना कि दोनों के बॉडी के ऊपर जाके बनना चाहिए। ये दोनों बॉडी के ऊपर जाके यहां पर क्लोज होना चाहिए तो सबसे ज्यादा बेहतरीन काम करेगा इवनिंग स्टार। और ये मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होता है, बुलिश ट्रेंड के बाद ये सिंबल बन जाता है और ये सिंबल बनने के बाद मार्केट को नीचे लेके आ जाता है, जिसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, लिखते हुए चलना साथ में या फिर पहले अच्छे से सुन लेना उसके बाद लिखना। आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं एक एक चीज को, ठीक है। ये हो गया इवनिंग स्टार। अब एक बार समझते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का पीडीएफ नहीं है क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं लग रहा। चलो मैं ऐसे एक बार आपको ये दिखा देता हूं, मैं यहां पर तो नहीं दिख रहा, इवनिंग स्टार तक ही है। चलो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ध्यान देना कि जो कैंडल होते ना वो उसके नीचे, देखो यहां पर भी सेम कंडीशन है,
दोनों बॉडी, जो दोनों बॉडी है, पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और दोनों के बॉडी के नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों बॉडी के नीचे क्लोज हुआ और मार्केट के रेजिस्टेंस में बनेगा तो ये बाजार को ऊपर के तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल समझ लेते एक बार यहां पर। कोई ये देखो, यहां पर क्या हुआ है, प्रॉपर बॉडी के नीचे क्लोज हुआ है तो काम किया है। अब एंट्री और एसएल कहां लेंगे, देखो एंट्री लेते समय जिस भी बॉडी का विक बड़ा हो, जैसे ये ग्रीन का बड़ा तो ग्रीन पे लेंगे, रेड का बड़ा तो रेड पे लेंगे एंट्री, और एसएल जो लेंगे वो ये वाले कैंडल, अगर इसमें कोई बड़ा कैंडल बन जाए तो वहां पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि जिसका भी बड़ा वीक बने ना वो उसको एसएल रख के चलेंगे। तो ऑब्वियसली ये बीच वाले कैंडल का ज्यादातर वीक बड़ा होगा तो एसएल हमारा वो बनेगा और एंट्री उसके ऊपर बनेगा। तो आज जो हमने सीखा ना वो सीखा है, पहले तो दो बेयरिश कैंडलस्टिक सीखे और दो बुलिश, सॉरी पहले दो बुलिश सीखे उसके बाद दो बेयरिश। ठीक है, और जो हमने बुलिश सीखा, ठीक है, पहले हमने दो जो बुलिश सीखा उसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग और बुलिश हरामी, और उसके बाद सीखा हमने बेयरिश एंगल्फिंग और बेयरिश हरामी। ठीक है, ये दो चीज सीखे, पहले बुलिश एंगल्फिंग बुलिश हरामी, फिर सीखे बेयरिश एंगल्फिंग बेयरिश हरामी, ये चार कैंडलस्टिक सीखे, और उसके बाद जो हमने सीखा वो मॉर्निंग स्टार सीखा और इवनिंग स्टार सीखा। तो ये था हमारा जो प्रॉपर कैंडलस्टिक का नॉलेज, और आज ये कैंडलस्टिक का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। विद चार्ट पैटर्न के साथ आपको समझा दिया हूं मैं कब कहाँ पे काम करता है और एंट्री कैसे लिया जाए और एसएल कैसे लिया जाए। अब ये सारी चीजें आप लोग को सिखा दिया हूं, कल रात को हम 9 बजे प्रॉपर एक क्लास रखेंगे और उसमें सभी लोगों का जो भी डाउट रहेगा वो लिख के लाना, उसको स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे। आई होप आप लोग को ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ गया होगा कैसे वर्क किया जाता है और कैसे काम किया जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।